हेलो डियर, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में। डियर, हम यहाँ बात करेंगे आज 12th फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। इसका एक टॉपिक लिया है हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। आई होप आपको ये समझ आएगा। अगर कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक या वॉइस एरर हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, और वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले डेफिनेशन वाइज देखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन्स एटसेट्रा, ऑफ विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ। बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस वेरियस ऑब्जेक्ट्स एग्जर्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन ईच अदर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की। कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। इस तरह के और भी पार्टिकल हो सकते हैं, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जिनसे वो सारे के सारे क्या होता है, मटेरियल बने होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज वेरियस ऑब्जेक्ट एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन एक दूसरे पे ऑन ईच अदर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। डायग्राम वाइज देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमने वन लिया हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने टू लिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये किसकी वजह से हो पाया है? ये हो पाया है इन दोनों पे होने वाले चार्ज की वजह से। अगर दोनों पे चार्ज नहीं होगा तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट थ्री एंड ऑब्जेक्ट फोर। ऑब्जेक्ट थ्री क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट फोर को रिपेल कर रहा है। ऑब्जेक्ट फोर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट थ्री को रिपेल कर रहा है। तो ये भी क्यों पॉसिबल है? ये सिर्फ पॉसिबल है इनके अपने चार्जेस की वजह से, जो कि रिपल्सन एक दूसरे को लगा रहे हैं, एक दूसरे को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी मीन्स ओनली कंटेन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। इट्स एस आई यूनिट इज़ कूलाम। कूलाम इसकी एस आई यूनिट होती है, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। प्रोटॉन को प्लस ई, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से डिनोट किया जाता है। और ई की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। 1.67 भी होती है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ़ देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा हों, द बॉडी हैज़ अ निगेटिव चार्ज। तो बॉडी के पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। एंड एन एक्सेस ऑफ प्रोटोन, और अगर प्रोटोन बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, रिजल्ट इन ए बॉडी पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, अगर डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो भी क्या होगा, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन लिया, ऑब्जेक्ट टू लिया हमने। ऑब्जेक्ट वन जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट टू क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्जेक्ट वन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑब्जेक्ट टू पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफिशेंसी हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बॉडी वन क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और बॉडी टू क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, तो दो तरह के हमारे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट है, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब लाइक चार्ज मतलब होता है सेम चार्ज, जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया। अनलाइक चार्ज मतलब प्लस माइनस हो गया या माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है आपका, लाइक चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज यानी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी ये जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि एक रेस्ट में रखा हुआ चार्ज है और इसके फील्ड की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ ए ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क देन चार्ज डेवलप ऑन ग्लास रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क इज़ नेगेटिव चार्ज। तो जो ग्लास रॉड है, अगर हम उसको सिल्क के साथ रब्ड करते हैं तो क्या होता है, जो ग्लास रॉड है वो क्या कर रही है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है किस पे, सिल्क पे, ठीक है। तो ग्लास रॉड आपकी पॉजिटिव हो जाती है और सिल्क क्या होती है, आपकी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, इफ़ द प्लास्टिक रॉड रब्ड विद बूल
देन चार्ज डेवलप ऑन प्लास्टिक रॉड इज नेगेटिव चार्ज एंड ऑन बूल इज पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे प्लास्टिक रॉड जो है वो बूल के साथ रब की जा रही है, प्लास्टिक रॉड क्या करेगी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, किस पे, बूल पे। तो बूल क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी और प्लास्टिक रॉड क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे क्योंकि सेम सेम है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, क्या अपोजिट चार्जेज हैं। तो ये फंडामेंटल लॉ है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन बी अरेंज इन अ सीरीज इन सच अ वे दैट एनी टू ऑफ देम आर रब्ड टूगेदर देन वन ऑफ अकरिंग अर्लियर इन द सीरीज एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज वाइल अदर एक्वायर लेटर एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं सीरीज में कुछ एलिमेंट्स को कुछ मटेरियल को कंटेन कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हमने मटेरियल यहाँ पे ले रखे हैं, इसमें ह्यूमन बॉडी भी इंक्लूडेड है, और हम इनमें आपस में किसी को दो को रब करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फर्स्ट वाला जो नंबर आएगा उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा और सेकंड वाला नंबर जो आएगा उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। देखिए कॉटन को अगर मैं मेटल के साथ रब करता हूँ तो कॉटन हमारा 5 नंबर पे और मेटल हमारा 10 नंबर पे, तो कॉटन हमेशा पॉजिटिव होगा और मेटल क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। सेकंड लेते हैं सिल्क और ह्यूमन बॉडी, तो सिल्क हमारा 7 नंबर पे ह्यूमन बॉडी हमारा 8 नंबर पे, तो सिल्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज होगा, ह्यूमन बॉडी क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो नंबर पहले आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन और जो नंबर बाद में आएगा वो क्या करेगा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉज ऑफ चार्जिंग इज़ द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर ड्यूरिंग रबिंग, प्रोटॉन्स आर नॉट ट्रांसफर ड्यूरिंग द रबिंग। तो जो चार्ज ट्रांसफर होता है एक्चुअली जो चार्ज आ रहा होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे। प्रोटॉन्स का कोई रोल नहीं होता है ट्रांसफर ऑफ जो है चार्ज को लेकर, ठीक है। प्रोटॉन क्या होते हैं चार्ज के ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बाकी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँगा, और जैसा भी आपको वीडियो लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।